हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप पांत फ्रॉम प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस। टुडेज टॉपिक रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th। हम लोग आज देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग दो कंजर्वेशन देखे थे, आज हम लोग तीन देखेंगे। फर्स्ट नंबर थर्ड में क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसका डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी प्रिंसिपल, द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ इट्स सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। इसका हिंदी क्या हुआ कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षक का संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी प्रत्येक निकाय का कुल द्रव्यमान और ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है, और जहाँ कॉन्स्टेंट है उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, उस सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो वो समझ लीजिए कंजर्व है। उसी के अनुसार हम बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ, सुरक्षित है, जिसको हम लोग बोलते हैं संरक्षण का नियम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है E=mc². ये आप 12th क्लास में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा उस समय ये चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। E=2 क्या है, mc², E क्या है मेरा एनर्जी, m क्या है मास, एंड सी क्या है स्पीड, भी बोल सकते हैं इसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधा गमन करता है, जिस कारण कि वो क्या है उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और सी का वैल्यू कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रकाश की चाल ना। अब है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय संवेग का संरक्षण नियम या रेखीय संवेग संरक्षण नियम। इंग्लिश में क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कॉन्स्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका हिंदी क्या हुआ, रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी निकाय का संवेग का मान बाहरी बल की अनुपस्थिति में क्या होता है, नियत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी का भी कोई भी वस्तु है तो उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम वो एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगेगा उस पर, तो उसका मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, कंजर्व होगा। ये सब चीज़ हम लोग 11th में ही प्रूव करेंगे। ओके, ये हम लोग कब प्रूव करेंगे, ये वाला जो अभी हम बता रहे हैं ये हम लोग प्रूव करेंगे 11th के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ क्या लिखे, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी निकाय का संवेग का मान कब तक, संवेग का मान नियत रहेगा, कब तक रहेगा, उसमें भी कंडीशन है, जब उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, बाहरी मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो उसका संवेग का मान क्या होगा, नियत होगा। संवेग का फॉर्मूला आपका होता है P=mv, mass × velocity। मास पी क्या है, मोमेंटम, जिसका हिंदी क्या होता है संवेग, एम क्या है मास द्रव्यमान, और भी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। ओके, उसी अनुसार मेरा फिफ्थ नंबर है,
तो इसका जो डिफिनेशन है, जैसे कि हम नीचे लिखे थे सेम टू सेम, उसी तरह का है, लेकिन वर्ड सिर्फ यहाँ पे एक दो जगह चेंज है। इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ दे दीजिए यहाँ पे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कॉन्स्टेंट इन द अबसेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ना। कोणीय संवेग संरक्षण नियम से किसी निकाय का संवेग का कोणीय संवेग मान क्या होता है, नियत होता है बाहरी बल आघूर्ण की अनुपस्थिति, बल नहीं, यहाँ बल आघूर्ण लिखा हुआ है। ओके, टॉर्क को हम लोग बल, ये कोणीय संवेग को हम लोग एल से दिखाते हैं, किससे, एल से। तो लास्ट वाले में क्या था कि मोमेंटम कंजर्व था, कॉन्स्टेंट था, एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लग रहा था, और यहाँ क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है जब यहाँ टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू पी इंटू आर, एल क्या है यहाँ पे मेरा बोलिएगा, एंगुलर मोमेंटम ना, और पी क्या है मेरा, अभी तुरंत लिखे थे हम लोग, लीनियर मोमेंटम, और आर मेरा है यहाँ पे रेडियस ना। चलिए एल इक्वल टू पी आर, एल इक्वल टू पी आर, अभी तुरंत हम लिखे हैं पी इक्वल टू, हम क्या लिखे हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो एल इक्वल टू जब यहाँ पी के बदले लिखिएगा तो एम भी इंटू क्या हो जाएगा, आर। एम क्या है, इस चीज़ को भी आप जानते हैं, एम क्या है मेरा मास, और भी क्या है मेरा वेलोसिटी। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। आज का थोड़ा वीडियो छोटा हुआ क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं है जो कि हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल है, उसमें हम लोगों का थोड़ा टाइम लेगा। अभी हम लोग देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में ना, और उस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया, खोज क्या क्या उन्होंने किया है उसके बारे में, इसे ध्यान से लिख लीजिए। आज ये मेरा लास्ट टॉपिक है, यहाँ जो हेडिंग है सम साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी, हिंदी क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिक और उनके खोज, उनकी खोज, मतलब उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, क्या क्या खोज किया। तो इधर हम साइंटिस्ट का नाम लिखे हैं, ये मेरा डिस्कवरी जो उन्होंने खोज किया है, ये मेरा सीरियल नंबर यहाँ पे, जैसे देखिए थॉमसन एडिसन, इसके बारे में सभी बच्चा लगभग जानते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्कवर किया था ना, जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है आपका। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश का खोज किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और एक बात दिमाग में रखिएगा, जो एक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज का एक यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, लेकिन चार्ज का जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो है फ्रैंकलिन, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम ना, लेकिन चार्ज का स्मॉलर यूनिट जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन, इनके नाम से डिनोट किया गया है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, साइंट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में दुनिया में अगर किसी साइंटिस्ट के बारे में बच्चे जानते हों या न जानते हों, लेकिन दो साइंटिस्ट के बारे में जरूर जानते हैं, एक आइंस्टीन और एक न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टीन इनका पूरा नाम हुआ, इन्होंने फोटोन इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो अभी हम अभी पीछे लिखे थे चार नंबर में, तीन नंबर में, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था, इसको बोलते हैं हम लोग मास एनर्जी थ्योरी बोलते हैं। चलिए मार्कोनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो का, किसका सर, रेडियो का खोज किया था। बहुत दिन पहले तक एक मार्कोनी कंपनी का रेडियो भी आता था, खोज किया था रेडियो का। अब जैसे मैरी क्यूरी किसका सर, रेडियम, किसका, रेडियम का, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। लेकिन दो वैज्ञानिक मिल करके, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, दोनों पति पत्नी थे, उन्होंने किसका खोज किया था, रेडियम, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मैरी क्यूरी। ओके, सीवी रमन ने रेमन इफेक्ट
किसका सर? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के बारे में एक थ्योरी दिया इन्होंने, इसके बारे में इन्होंने जो दिया। अब इसके बाद आता है जेसी बोस, जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस। तो इन्होंने जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स में ही, इन्होंने बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में भी डिस्कवरी किए हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले उन्होंने, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो पेड़ पौधा है उनमें भी जीव है, उन्हें भी काटने पर क्या होता है, दर्द होता है। लेकिन हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो इनका जो फिजिक्स में जो योगदान है, इन्होंने सबसे छोटा, सबसे स्मॉलर रेडियो वेव के बारे में इन्होंने खोज किया था ना, वेरी शॉर्ट रेडियो वेव, अति लघु रेडियो तरंग। अब एक बात तो आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, ग्राहम बेल, इन्होंने किसके बारे में खोज किया था सर? टेलीफोन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए बेयर्ड, इन्होंने टेलीविज़न के बारे में। माइकल फाराडे, ट्रांसफार्मर, इसका ट्रांसफार्मर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बारे में विद्युत जनित्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको ट्रांसफार्मर तो जान ही रहे हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र, इसके बारे में खोज किन्होंने किया था सर? माइकल फाराडे। जैसे कि एस चंद्रशेखर, ये भी इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टार का स्ट्रक्चर, उनके एज, उनका उम्र, ये सब के बारे में उन्होंने डिस्कवरी किया था। कौन सर? एस चंद्रशेखर। तो ये सब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शायद आपको किसी कंपटीशन में भी आए, तो इसे ध्यान से लिखिए। इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत साइंटिस्ट का नाम, 10-15 साइंटिस्ट का नाम हम लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जेम्स वाट, कौन सर? जेम्स वाट, इन्होंने स्टीम इंजन, कौन इंजन? स्टीम इंजन, जैसे भाप इंजन भी खड़ी भाषा में बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है वाष्प इंजन, ओके। सर आइजैक न्यूटन, बहुत फेमस नाम है, न्यूटन साहब ने ही, न्यूटन साहब ने किसका लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, इन सभी के बारे में इन्होंने ही रिसर्च किया था। जैसे कि जे जे थॉम्सन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एटम का मूल कण है। तो ये तीन जो है, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले जो खोज किया था किन्होंने सर? जे जे थॉम्सन। और फिर गोल्डस्टीन के बारे में किन्होंने सर? गोल्डस्टीन ने किसका? प्रोटॉन का। जे जे थॉम्सन ने किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का। जे जे थॉम्सन, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का, और चैडविक, इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक, ने किसका खोज किया? न्यूट्रॉन का। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, ये शायद आपको किसी अदर एग्जाम में भी आ सकता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, लगभग ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश्ड हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11th का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका सेकेंड चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट ना, मात्रक और बीमा, उसमें शायद हम मापन भी लिखे हैं एक बार। तो ये आपको, ये 16 साइंटिस्ट और 16 साइंटिस्ट का डिस्कवर, जो उन्होंने खोज किया था, डिस्कवरी किया था, उसके बारे में आपको हम बताएं। तो ये सब ध्यान से लिखिएगा और उसे याद करिएगा। चलिए, ओके।